चील, चुड़ैल और भूतिया सांप। रात के 10 बज रहे थे, आधी रात का समय। तालाब के चमकीले पानी में पूनम का चांद काफी लुभावना नजर आ रहा था। बीच बीच में काले घने बादल चांद को अपने आगोश में ले जाते। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है। जंगलों से जोर जोर से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है। तभी जंगल से एक भूतिया सांप, जिसका आधा शरीर इंसान का होता है और बाकी का शरीर एक बहुत भयानक सांप की तरह दिखता है, वो गांव की तरफ बढ़ता चला आता है और गांव के लोगों को पकड़कर सीधा अपने मुंह में निकल जाता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा, तुम सब मेरा भोजन बनोगे। वो भूतिया सांप गांव के लोगों को एक एक करके खाने लगता है, जिसके बाद गांव वाले अपनी जान बचाकर यहां वहां भागने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, हमें कोई इस भूतिया सांप से बचाओ, नहीं तो ये भूतिया सांप हमें खा जाएगा। आ, 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 अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मेरे जितना ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं है। आज तुम सब लोगों का आखिरी दिन है। ये कहकर सांप उस आदमी को पकड़ता है और अपने मुंह में खा जाता है, जिसके बाद वह पूरे गांव में अपना आतंक मचाने लगता है। तभी आसमान के बादल जोरों से कड़कने लगते हैं, जिसके बाद आसमान में एक भयानक चील चुड़ैल उड़ती हुई गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चील चुड़ैल कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इन गांव वालों को खाएगा, मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगी, तूने अपनी मौत को दावत दी है। चील चुड़ैल, अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो यहाँ से लौट जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर इतना ही शक्तिशाली है तो चल मेरे साथ मुकाबला कर। चील चुड़ैल के ललकारने से भूतिया सांप को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो चील चुड़ैल का मुकाबला करने लगता है। चील चुड़ैल अपने पंजों से सांप को नोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया सांप अपनी पूंछ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चील चुड़ैल उसके मुंह पर अपना पंजा मार देती है, जिसके बाद सांप फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चील चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के लोग आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, कितना भयानक सांप था, वो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिरकार इतना भयानक भूतिया सांप आया कहाँ से? अरे भैया, चील चुड़ैल हमारा साथ नहीं देती तो शायद आज कोई भी उस सांप के कहर से नहीं बच पाता। लेकिन ये भयानक भूतिया सांप आया कहाँ से होगा और ये हम लोगों को क्यों मार रहा है, और फिर उस चील चुड़ैल ने हम गांव वालों को क्यों बचाया, आखिर वो चुड़ैल क्या चाहती है? तभी एक बूढ़ी औरत, ये कुछ समय पहले की बात है, जब इस गांव में एक रागनी नाम की सुंदर लड़की रहती थी। रागनी मन की बहुत साफ थी, उसकी खूबसूरती और भी अच्छी थी, जो भी रागनी को एक बार देखता था वो उस पर मोहित हो जाता। रागनी का पिता दुर्योधन रागनी को कभी किसी लड़के से मिलने नहीं देता था, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। अब धीरे धीरे रागनी बड़ी हो गई। एक दिन रागनी कमल के फूल तोड़ने जंगल में नदी के किनारे गई, जहां उसे एक सरगम नाम के लड़के ने देख लिया। सरगम पहली नजर में ही रागनी के ऊपर मोहित हो गया। जैसे ही रागनी ने उसे देखा, वो भी उसकी आंखों में खो गई। तभी रागनी ने सरगम से पूछा, तुम कौन हो? पहले कभी मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। रागिनी के पूछने पर सरगम थोड़ी देर चुप हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, दरअसल मैं जंगल में नदी किनारे रहता हूँ और यहीं पर रहकर अपना जीवन बसर करता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे सबसे अलग रहना पसंद है। वो दोनों कुछ देर आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद रागिनी को सरगम से बात करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो रोजाना नदी किनारे आने लगती है।
धीरे धीरे सरगम और रागिनी में प्यार हो जाता है और एक दिन वो दोनों जंगल में घूमते घूमते बहुत अंदर तक चले गई, जहां वो दोनों एक पहाड़ी पर जाकर खड़े हो गई। तभी सरगम रागिनी से कहता है, रागिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपना जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी बनकर रहना चाहोगी? सरगम मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी अचानक से जिस पहाड़ी पर वो खड़े थे उसके अंदर एक गड्ढा हो जाता है और वो उसके अंदर गिर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गिरते हैं, अंदर गुफा के एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। उन दोनों की वजह से उनकी तपस्या भंग हो जाती है, जिसके बाद साधु बाबा गुस्से से उठते हैं और दोनों को श्राप दे देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर मेरी तपस्या को भंग किया है, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। ये लड़की एक चील चुड़ैल बन जाएगी और तू एक आधा इंसान और आधा सांप बन जाएगा। तुझे लोगों को खाकर सुकून मिलेगा, तो इस चील चुड़ैल को लोगों को बचाकर तुम दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाओगे, और जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे को जान से मार दोगे उस दिन तुम दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे, जिसके बाद केवल स्वर्ग में ही तुम दोनों लोगों का मिलन संभव है। साधु बाबा जैसे ही श्राप देते हैं उन दोनों को श्राप लग जाता है और कुछ ही देर में रागिनी चील चुड़ैल बन जाती है और सरगम आधा आदमी और आधा सांप बन जाता है, जिसके बाद सरगम खून का प्यासा हो जाता है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए गांव की तरफ लोगों को खाने के लिए निकल जाता है। नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। जिसके बाद चील चुड़ैल उड़ते उड़ते उसका पीछा करने लगती है और गांव पहुंच जाती है। चील चुड़ैल तू मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुझे भी मार दूंगा। मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे गांव वालों को खाने नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी, तुझे नोच नोच कर तेरे टुकड़े कर दूंगी। तभी भूतिया सांप चील चुड़ैल पर हमला कर देता है, जिसके बाद चील चुड़ैल और भूतिया सांप की बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में चील चुड़ैल के पंजे भूतिया सांप के शरीर पर लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूतिया सांप के दांत चील चुड़ैल के शरीर पर लग जाते हैं, दोनों ही घायल हो जाते हैं। जैसे ही भूतिया सांप चील चुड़ैल को कमजोर देखता है वो गाँव के लोगों पर हमला करने लगता है। इतने में चील चुड़ैल अपनी ताकत से सांप को पूरा नोच देती है, जिसके बाद भूतिया सांप के ऊपर से श्राप हट जाता है और वो वापस अपने रूप में आ जाता है। रागिनी तुमने ये क्या कर दिया? रागिनी मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मेरी मजबूरी थी, तुम गांव के लोगों को मार कर खा रहे थे, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ा, नहीं तो तुम गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ते। और उसे भी श्राप से मुक्ति मिल जाती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। सरगम देखो तुम्हारा जहर मेरे पूरे शरीर में फैल गया है, अब लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। सरगम रागिनी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद कुछ ही समय में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद से गांव से चील चुड़ैल और भूतिया सांप का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।